अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद का स्थापना क्यों करना पड़ा इसे? आप सभी को मालूम है देश भर में हजारों हिंदू संगठन चल रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व के ठेकेदार बनने से अच्छा है हिंदुओं की सेवा करे। हमने संघ देखा, हमने विश्व हिंदू परिषद देखा, हमने बजरंग दल देखा, हमने हजारों संगठन देखा, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लेकिन कोई शिवसेना, भाजपा, संघ, वीपी, बजरंग दल किस लिए आंदोलन नहीं कर रहे? इसका कारण वही कि केंद्र में बैठे हैं। हम कहते हैं कि केंद्र में बैठे हुए हमारे भाई, हमने उनको चुन के दिया है और हिंदुओं को दिन रात मारा जा रहा है। इसलिए हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी को टारगेट किया गया कि आप हिंदुओं के बारे में बहुत बोल रहे हो, आपको रोकना होगा क्योंकि ये देश शत्रुलिज्म है, हमको सत्ता में आना है। तभी डॉक्टर प्रवीण भाई ने कहा, मैं सत्ता में पद छोड़ दूंगा लेकिन हिंदुओं को नहीं छोड़ूंगा, हिंदुओं के बारे में बोलना नहीं छोड़ूंगा। इसलिए संतों के आशीर्वाद से और डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के नेतृत्व में 24 जून 2018 को दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय हिंदू राष्ट्रीय भजन दल की स्थापना की और इस हिंदुत्व को हम 24 कैरेट प्योर गोल्ड, इसको कहते हैं हिंदुत्व। किसी भी हिंदुओं के मुश्किल आए, किसी भी हिंदुओं का आ जाए तो राष्ट्रीय भजन दल उसे कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा, इसलिए संगठन की स्थापना हुई। आरएसएस के मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक ही है, तो कश्मीर में हिंदुओं को मार दिया गया, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? पूरे देश के मोहन जी भागवत बाप नहीं है, हिंदू शौर्य है, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती, पृथ्वीराज चौहान की धरती है, मां काशी की रानी धरती है, महा अहिल्याबाई की धरती है, औरंगजेब का डीएनए और गोवा में रहने वाले मेरे हिंदुओं का डीएनए एक नहीं है, आप इनको पूछ लेना। एक आदमी बोलेगा कि मुसलमानों का डीएनए और हिंदू का डीएनए एक है, तो जम्मू कश्मीर में हिंदू की दिन दहाड़े हत्या हो रही है तो उनका डीएनए हमारा डीएनए एक है, तो हम दोनों भाई भाई हुए, तो भाई भाई को कैसे मार सकता है? इसका कारण ही है ये जिहाद है जो मदरसा में इनको सिखाया जा रहा है। मैं इसके आगे चल के बोलूंगा कि तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है और तालिबान और अफगानिस्तान की सीमा भारत से 192 किलोमीटर है, 152 किलोमीटर है, भारत दूर नहीं है। आज जो गोवा में संगठन का आगमन हुआ उसी लिए हुआ है कि जैसे अफगानिस्तान और कश्मीर में हो रहा है ऐसा गोवा में मेरे भाइयों के साथ में ना हो। इसलिए हम गोवा में रहने वाले पूरे हिंदुओं को एकजुट करेंगे और आने वाले काल में उनको उत्तर देंगे। क्या हिंदू साथ देगा सर? 1947 में भी हिंदू ने साथ दिया करने के सभी को मालूम है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पास मावलुक का गठन करके इनकी स्वराज्य की स्थापना की थी। हमने तो आपके सामने है, ये मावले नहीं, ये सब बजरंगी है हमारे। एक बजरंगी लंका गया था तो लंका का दहन करके आते तो 250 बजरंगी बैठे, ये क्या कर सकते? आपके सामने उदाहरण है इसका। आपने किसने कहा गोवा में हमने चुना है? पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, पूरे भारत वर्ष में डॉक्टर प्रवीण भाई का संगठन काम कर रहा है। सोशल मीडिया पे आप देख लेना, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कोई तालुका नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई प्रांत नहीं है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर राष्ट्रीय भजन की स्थापना और राष्ट्रीय भजन का काम नहीं चल रहा है। हमारा सिर्फ एक दो संगठन काम नहीं कर रहे देश में, 16 आयाम काम कर रहे हैं। हम माता बहनों के लिए भी काम करें, हम पुलिस के लिए भी काम करें, हम सीमा पे रहने वाले जवान के लिए भी काम कर रहे हैं। कभी सीमा पे प्रॉब्लम है तो हमारे 1 लाख बजरंगी की टीम सीमा पे जाने के लिए तैयार, कफन बांध के जाने के लिए तैयार है। वेलिंगकर सर इकडे प्रयत्न करतात की सगळ्या हिंदू संघटनांनी एकत्र व्हायला पाहिजे आणि संघटन त्यांचं वाढायला पाहिजे, तर त्यांना साथ कशी देणार की त्यांना सोबत घेऊन कसं जाणार पडेल, त्यांची भूमिका काय असेल? मी वेलिंगकर सरांबद्दल बोलायचं गुरुतल्य वगैरे सर, मी वेलिंगकर सर जे वेलिंगकर सरान मुलास मी गोव्यामध्ये राष्ट्रीय भजन दलाचा आगमन होतोय हे बोलायला मला लाज वाटणार नाहीये। वेलिंगकर सरांचं जसं व्यक्तिमत्व आहे आणि वेलिंगकर सरांनी 20 वर्षे संघाचे संघचालक म्हणून गोव्यामध्ये काम केलेलं आहे आणि त्याचाच हा परिणाम आहे, लक्षात ठेवा, त्याच्या पुढे मी काय बोलणार नाही।